कर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से आप पढ़ रहे हैं भौतिकी, सब्जेक्ट कोड 102, यूनिट 4, ग्रेविटेशनल एंड सैटेलाइट्स, जिसका टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण को लेकर न्यूटन ने जो नियम दिया था उसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। लेते हैं दो पिंड जिनके द्रव्यमान है m1 m2, जो कि परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तो m1 m2 दोनों द्रव्यमानों की वजह से लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ही गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो कितना होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती, उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के लिखने से क्या आया कि बल F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। जब इस समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक g आ जाएगा, जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमने मान लिया कि हमारे जो द्रव्यमान है वो इकाई द्रव्यमान है और इकाई दूरी पर स्थित है, तो ऐसी कंडीशन में अर्थात एकांक द्रव्यमान के कण जब एकांक दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात एकांक द्रव्यमान के कण जो परस्पर एकांक दूरी पर स्थित है के मध्य लगने वाला जो बल है वही बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कहलाता है। एसआई पद्धति में जी की वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10 टू की पावर -11। इसका विमीय सूत्र है, एफ का फॉर्मूला क्या था, जी बराबर m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इससे जी का फॉर्मूला आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसकी विमा निकालने के लिए हमें एफ की विमा चाहिए, कि एफ की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। एफ फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में, और r है दूरी, दूरी को नापेंगे मीटर में, और m1 m2 द्रव्यमान है तो उसको नापेंगे किलोग्राम में। तो एफ की विमा हो गई m1 l1 t-2, r की विमा हो गई l2, और m1 m2 दोनों की विमा हो गई m2, m1 और m1 करके हो गई m2। इस प्रकार g की विमा आई m-1 l3 t-2। ये जो g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पिंडों की प्रकृति पर, पिंडों के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ना ही दोनों द्रव्यमानों के बीच में उपस्थित तो माध्यम है उस पर भी निर्भर नहीं करता है। चूँकि g की वैल्यू अति सूक्ष्म है, g की अति सूक्ष्म वैल्यू के कारण गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में अत्यंत दुर्बल बल होता है।